दुख की बात है एक्चुअली, पूरी भगवद गीता भी है मेरे पास, आप ले सकते हैं। हम बस चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान की वाणी का संदेश पहुँचे, तो इनके जीवन को हम और मंगलमय बनाने का प्रयास करते हैं। जीवन में भगवान को केंद्र बनाकर कैसे रह सकते हैं। सादी हिंदी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है माता जी। ऐसा कोई भगवान ने कठोर नियम नहीं बोला है कि आप वेजिटेरियन दिए तो इन पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते। ये भगवद गीता टाइम बॉम्ब की तरह है। हरे कृष्णा। आज हम ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के डिवोटीज आए हुए हैं श्री द्वारका धाम। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ साइड में गोमती नदी है जो समुद्र में मिल रही है, और हर बार की तरह हम हरिनाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ये बहुत विशेष है, द्वारका धाम भगवान द्वारकाधीश का धाम चार धाम में से एक है। ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी की यहाँ पर इकट्ठा है, जगह जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, और सभी को भगवान की वाणी से भगवान की वाणी को लेने में प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ बुक्स है, आइए देखते हैं आगे चलकर इन्हें कुछ भक्तों को देने का प्रयास करते हैं। दिस इज गोमती नदी जिसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं अभी, बहुत ही पावन नदी। एंड टू द अदर एंड इज द द्वारकाधीश टेम्पल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोचे हो गीता लीजिए। हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर से भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भगवद्गीता का वितरण कर रहे हैं, कुछ सहयोग कर सकते हैं आप भी गीता लेके। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवद्गीता लीजिए। अच्छी बात है, किसी को भेंट कर दीजिए अपनी तरफ से छोटी बुक लेके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस्कॉन टेम्पल से हम भगवद्गीता और बाकी लिटरेचर्स को दे रहे हैं। ये हम इस्कॉन मंदिर से सभी को गीता का वितरण कर रहे हैं, बहुत विशेष बुक्स है, भगवान का ज्ञान देते हुए जा रहे हैं। हम 25-30 डिवोटीज का टीम है जो गांव-गांव जाते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं और हरिनाम का प्रचार करते हैं। ये पूरी भगवद्गीता भी है मेरे पास, आप ले सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं भगवान के प्रचार कार्य में। ये दुख की बात है एक्चुअली, हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो गीता लेते हैं, बट फिर भी हम अपना प्रयास नहीं छोड़ते हैं। हरे कृष्णा। इस्कॉन टेम्पल से भगवद्गीता दे रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन टेम्पल से भगवद्गीता का वितरण कर रहे हैं, गांव-गांव ट्रैवल करते हुए हम यहाँ द्वारका आए हैं, भगवद्गीता का वितरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं भगवान की वाणी का। तो आप भी इस प्रकार से हमें सहयोग कर सकते हैं गीता लेके या कोई भी बुक लेके। हम बस चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान की वाणी का संदेश पहुँचे, पढ़े और सहयोग करें हमें प्रचार के लिए भगवान के। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस मंदिर का शिखर दिखाई पड़ रहा है, ध्वजा बहुत अच्छे से लहरा रहा है। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते अभी यहाँ पर है, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सब यहाँ पर द्वारकाधीश जी का दर्शन करने आए हैं, तो इनके जीवन को हम और मंगलमय बनाने का प्रयास करते हैं आज उन्हें। हरे कृष्णा। यहाँ पर एक सज्जन है, हम हरे कृष्णा भक्त है, हैदराबाद मुंबई अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। आप भी ये किताब लेके प्रचार कार्य में हमें सहयोग कर सकते हैं, सबके लिए किताब दे रहे हैं। इस्कॉन मंदिर से हम भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, सभी को भगवद्गीता दे रहे हैं, इस प्रकार से आप भी ले सकते हैं। डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप भी ले सकते हैं एक किताब, सहयोग कर सकते हैं हमें प्रचार के। इन सब पुस्तकों में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया गया है हम घर में रहकर भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, अपना सारा काम काज संभालते हुए भी जीवन में भगवान को केंद्र बनाकर कैसे रह सकते हैं। एक कृष्णा बुक आप ले सकते हैं, भगवान की लीलाएं हैं इसमें अनेक अनेक, बच्चे बड़े कोई भी पढ़ के उनको सुना सकते हैं। सादी हिंदी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है माता जी, सरल भाषा में वर्णन किया गया हरिनाम पुस्तक। ये बहुत सुंदर किताब है, हरिनाम क्यों करना चाहिए, संकीर्तन क्यों करना चाहिए, भगवान का नाम लेने से हमें क्या मंगल होगा, बिल्कुल सुंदर पुस्तक है। इस कलयुग का युग धर्म ही है हरिनाम का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, लेकिन उससे बहुत सरल तरीका है भगवान को पाने का, हरि का नाम जपने का। इसमें प्रैक्टिकल बातें बताई गई, कैसे हम भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान की आरती कैसे कर सकते हैं, घर पर रहते रहते कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कोई भगवान ने कठोर नियम नहीं बोला है कि आप वेजिटेरियन दिए तो इन पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते। पुस्तकों को पढ़ना सबने चाहिए, और भगवान की वाणी को जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए फॉलो करने का। ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि नहीं हम यू नो आज वेजिटेरियन नहीं है तो हम ले नहीं सकते हैं, फिर भी आप लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ये भगवद्गीता टाइम बॉम्ब की तरह है। हमारे जो फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद है, उन्होंने बताया है कि गीता का ग्रंथ कोई छू भी ले उसके जीवन का मंगल उसी समय से चालू हो जाता है। तो श्री प्रभुपाद ने यहाँ तक हमें बताया है, ये ग्रंथों में इतनी शक्ति है इसके एक एक शब्द में, क्योंकि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, दिव्य भगवान की वाणी है इसमें। इसलिए इन पुस्तकों का कोई एक शब्द भी पढ़ ले तो ये उनकी पूरी ज़िंदगी को सुधार सकता है, पूरी ज़िंदगी को मंगल में बना सकता है। तो आप सभी का इस प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और इसी प्रकार से ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी को आप ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग स्थानों में जाकर भगवान की वाणी का प्रचार कर सके, भगवद गीता और अन्य ग्रंथों का वितरण कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।